के नए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के आरा पहुंचते ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। छियालीस मिनट की हुई और अपना जमीन और बाकी जमीन की कुछ समस्या है। हम अपने ही कार्यकाल अवधि में बिहार के सभी थानों की चमचमाती हुई बिल्डिंग जमीन सब खड़ी कर रही। सर, भोजपुर जिले को आपकी तरफ से क्या सौगात मिलने वाला है? और देखिए, हमारा तो पूरा बिहार है, 12 करोड़ की मांग है, 40 ये ठीक है, ये मेरी जन्मभूमि है, महिभूमि, हमें हमसे सौगात नहीं मांगी, आप हमको सौगात दीजिए। आपसे हमें क्या सौगात चाहिए? आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, इस यहाँ पर अच्छी पुलिसिंग करने के लिए आपका सहयोग चाहिए। आप मीडिया के साथ ही, आपको तो अच्छी तरह से पता है कौन चोर है, कौन बदमाश है, कौन ऊंचा है, कौन लफंगा है, कौन बालू माफिया, कौन खनन माफिया, कौन शराब माफिया, आप सब लोगों को पता है, आप नहीं बोलते हैं और मैं नहीं चाहता कि पब्लिक में आप बोले, लेकिन आप सब हमसे जुड़िए और हमको अकेले बताइए, आपका नाम नहीं हम बोलेंगे किसी को, आपकी गोपनीयता बरकरार रहेगी। आप केवल केवल मीडिया के 20 भाई हमारा सहयोग करें तो हमारा एसपी यहाँ भोजपुर में 1 महीना में धूम मचा कर रख देगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। देखिए, अब तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी हमारी सेवा में, पुलिस सेवा में आ रही, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब 35% उनके लिए जो हुआ, 2% और जो ओबीसी महिलाओं के लिए है, तो अब को 100 में से 37% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है। अभी देखिए, जो सिपाही की बहाली हुई उसमें हमको ठीक से फिगर नहीं याद है, लेकिन 10,000 में करीब 6,500 से अधिक महिलाएं हैं, तो अब तो महिलाएं भारी संख्या में आ रही हैं, और ये समाज में जो प्रवृत्ति है महिलाओं को, ये जो मैंने जिस संस्कार में गिरावट की बात कही, उस गिरावट के चलते महिलाओं को हम हेय दृष्टि से देखते हैं, उसको भोग्या समझते हैं, उसको कमजोर समझते हैं, तो ये राक्षसी जो प्रवृत्ति है महिलाओं को छोटा देखने, छोटा समझने और उनको भोग्या समझने की, उसके कारण ये सब घटनाएं हो रही है। हमने सारे एसपी को कहा है, सारी पदाधिकारियों को भी मेरा स्पष्ट संदेश है कि महिला के साथ किसी तरह का अत्याचार और अन्याय, किसी तरह का जुल्म शोषण होता है, उसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। थैंक यू।